जिताया था जनता ने, उतने प्यार के साथ, उतनी मजबूती के साथ उन्होंने नजफगढ़ विधानसभा में कार्य किया। और वो कार्य किए शायद नजफगढ़ की हमारी अपने जनता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत बड़े स्टेडियम देना, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराना, सड़कें नालियां जितनी भी है, और जिस प्रकार से अनुज जी ने एक क्वेश्चन भी किया था कि भाई वाटर लॉगिंग सिस्टम था, मैं तो कहता हूँ कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो उन सड़कों, उन गलियों से, क्योंकि मैं यहाँ जमीन से जुड़ा हुआ हूँ और लोगों के हमेशा बीच में रहता हूँ, ये मेरा पहला एक कारण था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से और हमारे माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी के कार्यों से खुश हुआ। ये रोड सबसे ज्यादा ब्लॉकिंग रोड जो हुआ करती थी हमारी आम पार्टी की सरकार से पहले, वो झंडोदा से एक रोड आता है हमारा यहाँ बाजार की तरफ, नजफगढ़ की तरफ, उस पे होती थी। और एक आम जन की तरह हमने भी मंत्री जी को ये अपने रिक्वेस्ट रखी कि सर सबसे ज्यादा पानी यहाँ इस रोड में पड़ता है, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा है कि दूसरी पार्टी का मैं था, कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था या इंडिपेंडेंट भी हमने चुनाव लड़ा, तो उन्होंने मेरी बात को सुना और स्वयं विजिट किया उन्होंने उस रोड पे, उस सड़क पे जाकर के, और विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक वास्तविकता को देखा कि इस पानी के, यहाँ जो पानी भरता है इसको कैसे खत्म किया जाए। और SDM मैडम को बुला करके, मैडम थी उस टाइम, और DM साहब को बुला करके उन्होंने रोड मैप दिया कि इस पानी को खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो इनिशियल स्टेज पर क्या व्यवस्था की थी, उन्होंने तुरंत जो वाटर लॉगिंग सिस्टम को खत्म करने के लिए, पानी खींचने के लिए बहुत बड़े बूस्टर और पंप लगवाए उसी रोड के ऊपर, और विद इन 1 मंथ अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उस रोड को 4 फुट ऊंचा उठा करके, जो पानी झील में पड़ता था जिसको कभी किसी ने नहीं संभाला, तो उस कार्य को 1 महीने के अंदर स्वयं संज्ञान लेकर के हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने तुरंत उस वाटर लॉगिंग सिस्टम को खत्म किया। और जैसा कि हमारे अधिकारियों ने, हमारे भाइयों ने आपको बताया, राणा साहब ने बताया कि जो गलियां की जो नालियां हैं वो लॉग हो जाती है, वो पानी रुकता है क्योंकि उनकी सफाई विशेष तौर पर नहीं होती। और हमने मांग भी रखी थी, MCD से भी मांग रखी थी, मंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और हमारे इस वार्ड में ही 7 जो पानी को खींचने वाली है और जो शॉकर मशीन जिनको बोलते हैं, 7 बड़ी मशीनों की व्यवस्था करवाई, लेकिन वो MCD के तहत थी सफाईयां, उन्होंने केवल उसकी गाड़ियों के तेल को बेचा। और जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि गाड़ियां हमें नहीं मिलती। जब तक MCD सरकार में आम पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक मुझे लगता है कि और जो 20% वाटर लॉगिंग सिस्टम रुका हुआ है नजफगढ़ में, ये मुझे खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे क्षेत्र को साफ सफाई रखते हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी भाई होते हैं, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो MCD की इस भाजपा सरकार का उजागर हुआ है वो कर्मचारियों की तनख्वाह खाने में हुआ है कि इन्होंने जहां अपॉइंटमेंट है आपको एक वार्ड में मिले हुए 500 कर्मचारी सफाई कर्मचारी, 600 सफाई कर्मचारी, तो उन्होंने अपने निजी रिश्तेदारों, अपने साथियों, अपने दोस्तों को रख लिया और उन्हें 50% की सैलरी के आधार पर घर बिठाए हुए, और जो जो बाकी रह गए सफाई कर्मचारी, ये मैं बिल्कुल खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि उनसे भी उन्होंने पैसे मांगे कि आप लोगों को जो तनख्वाह मिलती है आप 5,000 रुपए आप हमें देंगे, आप तभी जाएंगे। आप बताइए एक वार्ड में 500 सफाई कर्मचारी, 600 सफाई कर्मचारी और उनमें से 300 सफाई कर्मचारियों का पैसा आप जेब में डाल लोगे, तो जो तीसरा, जो 300 बाकी कर्मचारी बच गए वो कर्मचारी सफाई कैसे करेंगे बेचारे, क्योंकि ये गली में हमने उनसे एक अनुरोध भी किया था, हम एक आम जन की तरह हम अपने पार्षद भी किया, सभी वार्ड में हम जाते हैं, 5 वार्डों में हमने ये भी कहा था कि आप ऐसा करो कि जो RWA के पदाधिकारी हैं आप सफाई कर्मचारियों की लिस्ट आप उनको दे दीजिए और उनसे मांगिए, अटेंडेंस बोलेंगे। यहाँ उल्टा हो रहा है, एक पार्षद या पार्षद पति जो है उस रजिस्टर को लेकर गलियों में घूम रहा है कि दिखाओ अटेंडेंस कौन कौन आया है, क्योंकि अगर जो आप समझ रहे हो कि जो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाने का मेन कारण ये है कि 500 कर्मचारी हैं, 300 कर्मचारियों से भाइयों से सफाई होगी नहीं और वो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा, और जबकि कर्मचारी को पता है कि मेरे साथ तो 5 कर्मचारी और होने चाहिए थे, तो इस तरह का भ्रष्टाचार बिल्कुल पूर्ण रूप से उजागर हुआ है। और हमने पहले भी और इस विषय पर कि हमारे खासकर गोपालगंज वार्ड में एक सरेआम लड़ाई हुई, FIR हुई, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ और उसको उजागर किया गया था, हमने भी फेसबुक पे डाल करके इसको उजागर किया था कि किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों के ऊपर पैसे लूटने का दबाव बना रहे। आप मलेरिया विभाग के कर्मचारियों से पूछिए,
मलेरिया विभाग के कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एमसीडी लगाती है उन बेचारों को परिवार पालने के लिए 12 से 13 हजार रुपए तक सैलरी मिलती है, और उन कर्मचारियों से कहा जाता है कि आप मेरे ऑफिस के लिए सोफे लेके आइए, आप हमारी बात मत मानिए, आप उनसे बात कीजिए खुलेआम, क्योंकि आपके कैमरे के सामने तो बात करेंगे नहीं, वो आपको बताएंगे। एक 14 हजार 12 हजार पाने सैलरी पाने वाला कर्मचारी सोफे कहां से लेके आएगा, टेलीविजन कहां से लेके आएगा, उसके ऑफिस में पंखे कहां से लगाएगा। तो इन्होंने भाजपा सरकार जो एमसीडी में बैठी हुई है, इन्होंने काम को नहीं देखना, इन्होंने सरेआम ये देखना है, क्योंकि आने वाली सरकार तो इनकी बनने वाली नहीं है, कि जो मेरा टाइम बच गया एक साल में, मुझे ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से अपना घर बनना है। और ये बात हम नहीं कहते, जिस प्रकार से हमारे भारद्वाज जी साहब ने बताया, इसी तरह से ना केवल प्रदेश अध्यक्ष, हमारे यहाँ जो विजय गोयल जी थे, जो बीजेपी के जो बहुत बड़े एक नेता भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने सरेआम मीटिंग में कहा था कि जब तक एमसीडी में भाजपा रहेगी, ये लूट खसूट करने वाले, आप उनकी, बल्कि आप टीवी चैनल के माध्यम से आप उनकी बाइट भी देख सकते हैं, हम भी आपको भेजेंगे। उन्होंने क्लियर कहा था पब्लिकली कि जब तक ये हमारे भ्रष्ट जो है काउंसलर्स रहेंगे, हमारी सरकार इसी तरह से बदनाम होती रहेगी, और दिल्ली में सरकार ना बनने का उन्होंने ये बात कहकर के ठीकरा भी फोड़ा था कि दिल्ली में सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हमारे काउंसलर जो सरकार में बैठे हुए एमसीडी में, उन्होंने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला दिया। मंत्री जी श्री कैलाश गहलोत जी और अध्यक्ष जी लाकड़ा जी वहीं पे थे, सेक्रेटरीट में मंत्रालय में हम बैठे हुए थे, तो सबसे पहले यही सवाल किया गया था मुझसे। मैंने कहा सर, मैं एक आपकी कार्यशैली को देख करके प्रभावित होकर के मैं इस पार्टी के एक सदस्य के रूप में काम करना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मंत्री जी से मेरे डायरेक्ट यही वर्ड थे कि मैं आपकी इस प्रवाह में जुड़ना चाहता हूँ, आपके काम से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ मंत्री जी, क्योंकि आपने हमारे क्षेत्र में काम किए, मैं एक सदस्य के रूप में काम करूंगा, और मैं आपको निश्चित तौर पर मीडिया के सामने ये प्रण भी लेता हूं कि मैं एक केवल आम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे इस परिवार में शामिल किया गया है, ना किसी शर्त के ऊपर शामिल किया गया, ना मैंने कोई शर्त रखी, ना पार्टी इस तरह की शर्त रखती। सबसे बड़ी ईमानदारी मैंने इस पार्टी में यही देखी है कि सबसे पहले कार्यकर्ता के रूप में ये कार्य जो है देखती है, अगर हम सही ढंग से पार्टी के लिए काम करेंगे, अपने कार्य पार्टी की और हमारे कैलाश गहलोत जी की मंत्री साहब की जो किए हुए कार्यों की सही ढंग से प्रचार प्रसार करेंगे, ये हमारा पलन है कि हम जो हमारी जो दिल्ली सरकार है, आम पार्टी सरकार है, हमारे जो माननीय मंत्री जी कैलाश गहलोत ने जो इस क्षेत्र में काम किए हैं, हम उनको सुचारू और सही ढंग से इम्प्लीमेंट करवाएं, और उनके साथ लग करके हम इस कार्यशैली को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ना ही किसी नियम और शर्तों के ऊपर हमने पार्टी ज्वाइन की है, केवल हमने इनकी कार्यशैली के आधार पर पार्टी को ज्वाइन किया है और आगे इस पार्टी की सेवा करते हैं।